So welcome everybody to this gathering of Valentine Day. आजे आपणे आ गईकाले आखो दिवस शिवत्वनो उत्सव महोत्सव कर्यो. Yesterday we enjoyed and celebrated the festival of Mahashivratri. Rather today, आम जो है तो रात ना 12 वागा पछी शिवरात्रि नी शुरुआत थाई छे. अने आजे अत्यार ना आपड़ी सुषुप्त अवस्था में थी जागृत अवस्था में आया छे. बधा भगवान ने भजी ने आया छे. भजिया बनावी ने आया के भजी ने आया छे. साचू कहजो त्या जईने भगवान ने शू वातो करी. वातो करवा गया था के टीला टपका करवा गया था. आजे एनुज ज्ञान लेवानु छे. आपणे विल टेक दिस डिवाइन ब्लेसिंग्स. व्हाट इज वेलेंटाइन? व्हाट इज लव? भगवान ना दर्शन नी अंदर प्रेम नु स्वरूप, मैत्री नु स्वरूप શું છે, કેવી રીતે છે? વેલેન્ટાઇન ડે આપણી ભારતીય પરંપરાની અંદર ભલે આ ફાધર વેલેન્ટાઇન નામના એક સંત થઈ ગયા હતા ક્રિશ્ચિયાનિટીની અંદર, જ્યારે ચારે કોર ઉહાપો મચી ગયો હતો પોપ કલ્ચર અને ચર્ચનું દખલગીરી દરેક જીવનના સ્તર ઉપર થવા માંડી હતી. અને શું કરવું ને શું ન કરવું, શું બોલવું શું ન બોલવું, કેવી રીતે એકબીજા એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથે બિહેવ કરે, વાતો કરે, કેવી રીતે એકબીજા સાથે વ્યવહાર કરે એ ચર્ચ ડિસાઈડ કરતું હતું. એવી અવસ્થા હતી રોમની અંદર એક જમાનામાં. અને એ સમયે એક સંત હતા ત્યારના, ફાધર વેલેન્ટાઇન. એન્ડ એ ફાધર વેલેન્ટાઇન પાસે યુવાઓ ખાસ કરીને ગયા કે સાહેબ, અમને આ ધર્મની સમજ કંઈ પડતી નથી, પણ અમને ખરેખર જણાવો કે શું જીસસ ક્રાઇસ્ટે હમે એક દૂસરે સે મિલને કે લીએ જો કહા હૈ, સ્ત્રી ઓર પુરુષ અગર મિલતે હૈ કહીં ભી તો કિસ પ્રકાર સે મિલે और मिलना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए, ये इसके बाइबल के अंदर क्या बताया गया है, ये प्रश्न खड़ा हुआ. क्योंकि चर्च में ये कहा गया था कि कोई स्त्री न कोई पुरुष एक दूसरे के सामने देखेगा, कोई स्त्री पुरुष जाहिर में अनजान पुरुष अनजान स्त्री के साथ बात नहीं कर सकता है, हंसी मजाक नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, अमुक प्रकार का वेश धारण करना है स्त्री को और पुरुष को, ये सारे बहुत सारे बंधन आ चुके थे और इससे युवा वर्ग त्रस्त हो चुका था. क्योंकि हर दिन एक नया फतवा खड़ा होता था और उस फतवे के ऊपर आगे जीना मुश्किल हो चुका था. तो इसलिए ये 14 फरवरी को फादर वेलेंटाइन ने संबोधन किया युवा वर्ग को कि बाइबल के अंदर किस प्रकार प्रेम का स्वरूप दिया गया है और उस प्रेम स्वरूप में हमें एक दूसरे से क्या संबंध रखने हैं, कैसे रखने हैं, किस प्रकार रखने हैं और वास्तव में ये प्रेम का स्वरूप क्या है. उस जमाने में भी आई लव यू बोलना गुनाह हो जाता था. अगर एक दो अनजान आदमी एक दूसरे को आई लव यू कहे तो उसका मतलब कुछ और बन जाता था. इस प्रकार का वातावरण, तंगमय वातावरण रोम के अंदर था और ये ही हिंसा का कारण था. धर्म के नाम पर हिंसा होना शुरू हो गई थी और चर्च उस समय राज्य को कंट्रोल करती थी तो राजा भी उससे मजबूर था कि जो चर्च के पोप कह दे एक बार तो उसका अमल राजा को भी करना पड़ता था, वो चाहे वो दिल से चाहे या न चाहे. इस प्रकार की अवस्था खड़ी हो चुकी थी. आज भी ऐसी ही अवस्था खड़ी हुई है
in the term of modernism, in the term of freedom of expression, in the term of freedom for women, in the term of freedom for everybody. ये एक बड़ा द्वंद्व खड़ा हुआ है आज के युग के अंदर हमारे युवाओं में कि हम जैसे चाहे वैसा अपना जीवन जी नहीं सकते, हम एक दूसरे के जीवन में इंटरफियर करते हैं, तो क्या माँ बाप के स्वरूप में, टीचर प्रोफेसरों के स्वरूप में, खास करके ये स्वरूप में इंटरफेरेंस आता है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और स्कूल कॉलेजों में अमुक प्रकार का वेश धारण करना, अमुक प्रकार का डिसिप्लिन के नाम पर किस प्रकार बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सारा तय हुआ करता था, और आज भी ये प्रश्न वही का वही खड़ा है. सो एम आई राइट? हाँ, स्त्री को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए, स्त्री दबती है कि फ्री है, स्त्री को हमेशा आइसोलेट किया जाता है. आज भी हमारे यहाँ ये पीरियड्स के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, और स्त्री स्त्री को खाती है. कहने की बात यहाँ यह आती है कि स्त्री ही स्त्री का मारण है. एक स्त्री दूसरी स्त्री को इस पॉइंट पर अटैक करती है. तो हम जो परमात्मा महावीर ने बताया, जिन मार्ग ने बताया, सिमंदर स्वामी ने बताया, जीसस क्राइस्ट ने बताया, और सर्व सभी धर्मों ने जो बताया है प्रेम का स्वरूप और प्रेम क्या है, कैसा है, तो क्या ये शुल्लक बातों से हमारा प्रेम जताया जा सकता है, बताया जा सकता है, एस्टैब्लिश किया जा सकता है? ये मेरा आपको सवाल है. क्या ऐसा है? क्या छोटी छोटी बातों जो हम पकड़ के बैठे हैं वो क्या प्रेम के प्रतीक है कि प्रेम के विरोधी है? तो प्रेम का स्वरूप क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है? सिमंदर स्वामी, महावीर स्वामी, परमात्मा ने किस प्रकार स्वरूप बताया है? और वैसे ही सारे धर्मों के अंदर वास्तविक, कुरान हो या बाइबल हो, जरथुस्ती हो या वेद वेदांत हो, उपनिषद हो, जैन आगम हो या बौद्ध के त्रिपिटक हो, ये सबके अंदर प्रेम का स्वरूप, मैत्री का स्वरूप, ये किस प्रकार का बताया गया है? एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे व्यवहार करे, ये स्त्री हो या पुरुष? आपको आश्चर्य होगा, शायद पता हो या ना हो, कि हमारे भारतीय परंपरा में स्त्री और पुरुष के अंदर कोई भेद ही नहीं है. स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है. स्त्री के गुण अपने हैं, नैसर्गिक गुण, पुरुष के गुण अपने हैं, नैसर्गिक गुण. तो ये सारे गुण, एक दूसरे के जो गुण है उसका स्वीकार और उसका बहुमान, यही है भारतीय परंपरा. और जो स्वीकार और बहुमान करता है यही है प्रेम का स्वरूप, यही है मैत्री का स्वरूप. जो गुण कुदरत ने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं स्त्री को या पुरुष को, वो कोई छीन नहीं सकता, न निकाल सकता है. हर स्त्री हर पुरुष अपने गुण प्रभाव से ही प्रभावित होकर अपना व्यवहार करता है, स्त्री हो, स्त्री स्वरूप हो या पुरुष स्वरूप हो. उनके लाक्षणिक गुण, स्त्री को स्त्री कैसे कहा जाता है, पुरुष को पुरुष कैसे कहा जाता है, किस आधार पर कहा जाता है, दोनों तो इंसान है लेकिन उसके अंदर मूलभूत डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर है कि नहीं, सबसे पहला अगर है तो क्या है, और उसको कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए और कैसे समाज को एकमेव, हम सब एक है, वसुधैव कुटुंबकम, परस्परोपग्रह जीवानाम का भाव, परस्पर एक दूसरे के हम
ऋणी है, परस्पर हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। स्त्री को पुरुष के बगैर नहीं चलेगा, पुरुष को स्त्री बगैर नहीं चलेगा, ऐसी ही सुश्री जी की रचना है। स्त्री पुरुष तो छोड़ो, स्त्री पुरुष सिर्फ मनुष्य में नहीं होते हैं, पशु में भी होते हैं, पशु जगत में भी स्त्री पुरुष जीव जंतु में भी होते हैं, सृष्टि के हर लेवल पे होते हैं। तो क्या हम ये समझ पाए हैं जो हम करना चाहते हैं धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, डिसिप्लिन के नाम पर, तो उसका स्वरूप क्या है? आज हम इसे का खुलासा करेंगे, इसी का अज्ञान दूर करेंगे और अपने आप का विकास उस परम तक ले जाएंगे। हम स्त्री हो या पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक इंसान है, मनुष्य है, और कुदरत ने, ईश्वर ने हमें जो स्वरूप दिया है उसका सम्मान बहुमान करते हुए हमें अपने आप को सही रखना है। हमारी जिम्मेदारी खुद की है, कोई हमें इस सृष्टि में ऐसा कोई नियोजन नहीं है कि कोई एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करे। सृष्टि की रचना ऐसी नहीं है एक दूसरे पे कंट्रोल करे। कंट्रोल से कभी कुछ होता नहीं है, न होने वाला है। तो क्या है वो रहस्य, क्या है उसका विज्ञान, क्या है उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? बस आज हम शिवो हम की बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शिवत्व यानि स्वतंत्रता, परम स्वतंत्रता, शिव अवस्था यानि दोषों की दृष्टि से शून्यता और गुणों की दृष्टि से पूर्णता, यही है शिवत्व। और जब दोषों की दृष्टि से शून्यता और गुणों की दृष्टि से पूर्णता होती है तब अंदर अपने आप खुशी आती है। खुशी कोई कारण से जो आती है वो खुशी लंबी टिकती नहीं है। तो शिवत्व यानि महाशिवरात्रि का मूल पलादेश ये है कि हम हमेशा बिना कारण खुश रहने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हमेशा बिना कारण मुस्कुराने के लिए हम पैदा हुए हैं, यही हम भूल गए हैं। तो महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे, कुदरत का ये कहना है कि चलो भाई हैं, संत कबीरा कहे सुनो भाई साधु। निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा मैं, वितराग जरूर बनूंगा मैं, वितराग। तू मेरा ये काम करेगा या करेगी तो ही मैं तुझे लव करूंगी या करूंगा। ये मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया ये है आई लव यू मैन एबंडेंस। तू कितना भी नालायक बन, कितना भी कुछ भी कर, इसके यहां तो है एबंडेंस है, कमी नहीं होने वाला है। तू धमाल करते रहे, ये कैसे लॉजिक वर्ल्ड वाला कर सकता है क्या ऐसा? है आई टू आई, जैसे को तैसा है कि नहीं? ये लॉजिक वर्ल्ड है, आई टू आई, जैसे को तैसा। वो ऐसा करेगा तो हम क्या उसको छोड़ेंगे क्या? दिस इज लॉजिक वर्ल्ड एंड दिस लॉजिक वर्ल्ड इज द कॉज ऑफ कर्म। दिस लॉजिक वर्ल्ड इज द कॉज ऑफ सफरिंग। दिस लॉजिक वर्ल्ड इज द कॉज ऑफ बंधन। वो आपका सगा संबंधी है, आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, जो भी रिलेशन है, पति है, पत्नी है, वो रिलेशन के नाम पर आपको ब्लैकमेल करेगा। उसको वास्तव में आपसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जब उसे इनसिक्योरिटी फील होती है तब वो बोलेंगे कि मैं तो तेरी पत्नी हूँ, मैं तो तेरा पति हूँ, मैं तो तेरा बाप हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं तो तेरी
बहन हूं, मैं तो तेरा भाई हूं, ये सब तभी आएगा। ये रोज क्यों नहीं होता है भाई, उसी समय क्यों आता है, जब उसको इनसिक्योर होता है कि भाई अभी ये तो अपने हाथ से निकल जाएगा, तब वो होता है। जैसे आप वापस उसकी बात सुनने लगो ना, तो दो दिन में आपको देखेगा भी नहीं हो, फिर अपनी औकात पे आ जाएगा। एम आई राइट? कर्मज आवु लॉजिक उपयोग मां लावड़ावे छे, अने ई कर्म माथी आवे छे, अने कर्म ने मल्टीप्लाई करीने फरी थी एमां स्टोर करावे छे। तमे एक रुपियानुं नुकसान लईने आव्या छो, ई नुकसानीथी तमे सोदो कर्यो अने तमारो लॉस ओर वधार्यो। हवे समजाणो? नहीं, नहीं 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 नहीं, कर्म सत्ता कंट्रोल्ड लॉजिक, लॉजिक बे पावर थी चाले, ज्ञान सत्ता अने कर्म सत्ता। हवे आपणे शुं करीए छे, स्विचिंग करी रह्या छे, ज्ञान सत्ता, डिवाइन सत्ता है, ज्ञान पर नहीं बोलवानुं, डिवाइन सत्ता। एक छे कर्म सत्ता, एक डिवाइन सत्ता। कर्म सत्ता नी लिमिटेशन जोई लीधी, रड़ावानी ज छे, थोड़ोक वखत एने एम थाय ने कि आ मारा हाथमांथी छटकी जशे, निकळी जशे, एटले बहु डाया थवाना नाटको करे, पण जेवू पाछुं नॉर्मलाइज थाय ने एटले एनी जात ने औकात ऊपर आवी ने एनी जात तो देखाडवाना छे। 100% માર ખવડાવે, 100%। એટલે આપણે એના એની વાતમાં આવવાનું જ નથી, સમજ્યા? કારણ કે બાળક છે અને એની નફરત પણ નથી કરવાની, વાતમાં નથી આવવાનું એટલે એની નફરત કરો કે એને તરછોડો એમ નથી। અને જ્ઞાન સત્તા તમારો પાવર વધારશે, તમારો પ્રેમ વધારશે, અને એની કેટલી ગમે એટલી નાલાયકી હશે તમને ડિસ્ટર્બ નહીં કરે। ફરક શૂન્ય થઈ જાય, શૂન્ય થઈ જાય, નવટંકી નાટક, ચલો હું આમ કરી નાખીશ, હું આમ કરી નાખીશ, ધમકીઓ આપે તમને રિલેશનશિપના નામ પર, પેટનું પાણી ન હલે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જો આ પેટનું પાણી બે રીતે ન હલે, એ એક એ રીત છે કે થાય કરી લે જા, એ લોજિક છે પાછું, પણ અહીંયા થાય કરી લે નથી, અહીંયા શું છે, મુજે નહીં હોના પરેશાન, કરુણા કેને કહેવાય, કરુણા એને કહેવાય કે એ અજ્ઞાની છે, અને હજી આ 0.7 to 99 વાળી ફોર્મ્યુલા ક્યાં ખબર છે, અને ઈ આપણે જો એને શીખવાડવા બેસીએ ને, આ મેં જે તમને શીખવાડ્યું ને એ તમે ઘરે જઈને એને શીખવાડવા માંડો ને, તો કે હવે તારી બકવાસ બંધ કર આ બધી, હે આ હા, કારણ કે હજી એનો યોગ પાક્યો નથી, યોગ પાક્યો નથી, બરાબર છે? એટલે એને એની સાથે નફરત કે એની સાથે ડિસરિગાર્ડ નથી કરવાનું, સમજ્યા? એ નથી કરવાનું એમ નથી, ઓટોમેટિકલી પ્રેમ ફ્લો થાય, એટલે નથી કરવાનું ત્યાં રહેતું જ નથી, નથી કરવાનું ક્યાં આવે, લોજિક હોય ત્યાં આવે। નિર્ગ્રંથ જરૂર બનુંગા મેં, વિતરાગ જરૂર બનુંગા મેં, વિતરાગ જરૂર બનુંગા મેં, ભગવાન જરૂર બનુંગા મેં, ભગવાન જરૂર બનુંગા મેં।